हेलो फ्रेंड्स, वेलकम फॉर एपीएल लाइमेट पर फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं यूरिया टेस्ट के बारे में। यूरिया का जो टेस्ट होता है वो हम किस प्रकार लगाते हैं। ये हमारा रेजेंट है, यूरिया का अर्बन रेजेंट है, ये अर्बा कंपनी का रेजेंट है। इसमें जो है सिंगल रेजेंट ही रहता है, इसके लिए लगाते हैं। यूरिया जो है किडनी का फिल्ट्रेशन देखने के लिए लगाते हैं। अगर यूरिया हमारा बढ़ा रहता है तो हमारी जो किडनी जो है सही से फिल्ट्रेशन नहीं कर पाती है, इसलिए यूरिया जो है बढ़ के आने लगता है। ठीक है, तो जो है 500 माइक्रोलीटर जो है आर्बन लेंगे इसको, 500 माइक्रोलीटर। इसमें जो है 10 माइक्रोलीटर पेशेंट का सीरम ऐड करना है। अभी हम यूरिया का टेस्ट लगाने जा रहे थे, जहाँ पर जो है टेस्ट पर क्लिक करना है। ये हमारी जो है मशीन है मिंड्रे की, टेस्ट पर क्लिक करेंगे एकदम सिंपल तरीके में। फिर यहाँ पर क्लिक करना है, यहाँ से टेस्ट जो है सिलेक्ट कर लेना है। ये रहा, ये देखिए यहाँ पर सीन हो रहा है। यूरिया पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्या बोल रहा है, वाटर ब्लैंक। सबसे पहले क्या देना है, वाटर ब्लैंक देना है इसको। वाटर ब्लैंक देने के बाद में जो है इसमें जो है 12 सेकंड तक एक ग्राफ बन के आएगा। वाटर ब्लैंक जो है 12 सेकंड का है। ठीक है, वाटर ब्लैंक इसलिए दिया जाता है ताकि हमारा रिजल्ट सही है। वाटर ब्लैंक जो है हमें 0-0 लाना रहता है। ठीक है, ये देखिए वाटर ब्लैंक जो है 0-0 शो करना है। ये जो है पेशेंट का सीरम है, 10 माइक्रोलीटर सीरम लेंगे और इसी यूरिया वाले रिजल्ट में ऐड करना है। सैंपल पर क्लिक करना है, सैंपल पर क्लिक करने के बाद इसमें जो है इसको जो है जस्ट रीड कराना है। अभी इसमें जो है एक ग्राफ चलेगा 90 सेकंड्स तक, ये ग्राफ स्टार्ट हो गया। ठीक है, ये देखिए दोस्तों, इसका जो है ग्राफ पूरी तरीके से आ गया है, इसका रिजल्ट भी आ गया है, 98.9 आया है। मतलब यूरिया जो है इसका बहुत ही बढ़ा हुआ है। ठीक है दोस्तों,